हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 अप्रैल दिन मंगलवार है। वही हिंदी में ना बैसाख और कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्री अन्न अर्थात मोटे अनाजों के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने एवं जरूरतों के हिसाब से इन्हें अलग अलग जगह उगाया जा सके, इस मकसद से मोदी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है देश में। दोस्तों, मोटे अनाज में ज्वार के लिए भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को चुना गया है। वहीं मोटे अनाज छोटी मिलेट के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु को चुना गया है। वहीं मोटे अनाज में बाजरा के लिए CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को चुना गया है। अर्थात ये सभी अनाज यहां से अच्छी गुणवत्ता से पूरे देश में फैलाए जाएंगे। दोस्तों, देश में बड़े बाघों में सर्वाधिक हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अभी 711 बताई गई है बाघ आकलन 2022 में। हालांकि राज्यवार बाघ गणना रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश के वनाधिकारी बताते हैं कि पिछली गणना 526 के मुकाबले इस बार मध्य प्रदेश में 711 बाघ गिने गए हैं। दोस्तों, देश में बड़े बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश में बड़े बाघों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। पिछली गणना में 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। दोस्तों, बीजेपी आलाकमान के अनुसार राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को बाहर बताया है। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय पार्टी नेताओं से चर्चा करने जबलपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर ये जवाब दिए। दोस्तों, हर महीने बढ़ रहे बिजली बिलों को लेकर जनता परेशान है। हर माह बिजली के दाम पर तय करना उपभोक्ताओं पर अब जाती है, विरोध में जुटे हुए हैं अब संगठन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली के दाम हर महीने बढ़ाने के नए नियम के खिलाफ विभिन्न संगठन अब लामबंद हो गए हैं। इसे आम जनता पर जाती बताते हुए वापस लेने की मांग की गई है। दोस्तों, विरोध प्रदर्शन की शुरुआत जबलपुर में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने से हुई, जहां जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। दोस्तों, इन्होंने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग उठाई। विरोध के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हर महीने फ्यूल कास्ट चार्ज तय होने से आम उपभोक्ताओं को वित्तीय भार बढ़ेगा, अर्थात बिजली के दामों में वृद्धि को रोकना चाहिए, अन्यथा इसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, किसानों को रुलाने लगा है अब प्याज। दोस्तों, खंडवा जिले में इस साल एक बार फिर प्याज ने किसानों को रोने पर मजबूर कर दिया है। खेतों में कड़ी मेहनत कर प्याज की उपज लेने वाले किसानों को मंडी में लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि व्यापारी 2 से 5 रुपये किलो किसानों का प्याज खरीद रहे हैं। बाजार में यही प्याज 20 से 25 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है, अर्थात व्यापारी मुनाफा कमा रहे हैं, किसानों को भी मुनाफा नहीं मिल रहा है और आम जनता को भी राहत नहीं मिल रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली इंदौर की होनहार बेटी तनिष्का सुजीत। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा और 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर कीर्तिमान रच दिया है। इंदौर की होनहार बेटी तनिष्का सुजीत अब पूरे देश में अपना नाम प्रख्यात कर रही है। दोस्तों, मात्र 15 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट भी बन जाएंगी। अभी वे देवी विश्वविद्यालय इंदौर में BA तथा LLB की पढ़ाई कर रही हैं। दोस्तों, इसके चलते तनिष्का को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने तनिष्का से बहुत चर्चा की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि तनिष्का एक बहुत ही अद्भुत बच्ची है और पूरे विश्व में भारत एवं इंदौर का नाम रोशन कर सकती है।
इसी के चलते उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। दोस्तों, इतनी कम उम्र में ज़्यादा पढ़ाई करने वाली तनिष्का प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर प्रदेश तथा इंदौर का नाम रोशन किया है। ये इंदौर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे का कारोबार जमकर चल रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बिक रही है ड्रग्स। दोस्तों, इंदौर में चाय के साथ सिगरेट का सेवन तो आम है, लेकिन तमाम शिक्षण संस्थानों से 100 और 200 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकानें भी हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ताज़ा सर्वे में इससे भी ज़्यादा चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। दोस्तों, अब यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर प्रतिबंधित नारकोटिक ड्रग्स भी बिक रही है और युवा इसका सेवन भी कर रहे हैं। दोस्तों, सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट भाजपा संघ से जुड़ा छात्र संगठन जिम्मेदारों को अब सौंप रहा है, ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। दोस्तों, देश में अब लाल किले का नाम बदल जाएगा। इसका नाम अब होगा भगवा किला। इसको लेकर अब मांग उठने लगी है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा गया है। दोस्तों, प्रदेश तथा देश में इन दिनों नामों को लेकर कुछ सिलसिला सा चल रहा है। अब लाल किला भी इस फेहरिस्त में आ गया है। इसका नाम बदलने की मांग अब शुरू हो गई है। दोस्तों, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि लाल किला का पूर्व नाम लाल कोट था और इसका निर्माण 1060 में हिंदू राजा अनंग पाल तोमर ने किया था, जो अभिमन्यु के वंशज और पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। यही उदाहरण देते हुए स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की है कि लाल किले का नाम बदलकर अब भगवा किला कर दिया जाए। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी सूचना है। दोस्तों, समस्त किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि खरीफ लोन फाइनेंस का कार्य प्रारंभ हो चुका है पूरे प्रदेश में। आप सभी से निवेदन है कि निम्नलिखित दस्तावेज साथ में लाएं और अपना खरीफ लोन पाएं। दोस्तों, इसके लिए अपनी ज़मीन की पावती की फ़ोटोकॉपी, नवीन किसबंदी अर्थात बीवन की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, किसान क्रेडिट कार्ड, पावती और मोबाइल नंबर आपको लाना होगा। ये सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। दोस्तों, लाडली बहना योजना पर ताज़ा अपडेट आया है। इसके लिए इस दिन बंद रहेंगे पोर्टल, नहीं जमा हो सकते आवेदन। दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक ताज़ा अपडेट सामने आया है। अब तक प्रदेश में 70 लाख के पार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक जारी रहेगी, अर्थात 70 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म आएंगे। लेकिन योजना के तहत आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन अब रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नहीं होगा, एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए शिविर भी नहीं लगाए जाएंगे। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार रविवार 9 अप्रैल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती एवं वैसाखी, वहीं 16 अप्रैल को रविवार, इसके अलावा 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, वहीं परशुराम जयंती एवं ईद उल फितर तथा 23 और 30 अप्रैल को रविवार होने के चलते मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीयन का कार्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इन तारीखों का ध्यान रखिएगा। इस संबंध में राज्य शासन के संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भरवा लें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।